वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज अभी हम जलंधर सिटी से घूम फिर के आए हैं लक्की ढाबे पे खाना खाने। तो बड़ी इच्छा थी, हवेली में तो काफ़ी टाइम खा चुके हैं, हर बार खा चुके हैं हवेली। तो जब मैं 10th में थी तो तब हम आए थे यहाँ लक्की ढाबे पे। जब मैं बाहर जाऊँगी खाना खा के तो मैं आपको पुराना व्यू दिखाऊँगी, 95 का, 2014 का और 2023 का, कि कैसे चेंजेस आ गए हैं। और इसके पीछे काफ़ी फ्लैट्स बने हैं जहाँ पे हमने पार्किंग की है, काफ़ी ऊंचे फ्लैट्स बने हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है येलो दाल और कढ़ाई पनीर और लच्छा परांठा। और फिलहाल हमारा जो है सैलेड आ चुका है और डिफरेंट टाइप के ना 3 टाइप्स के पिकअप दिए हैं, 2 मीठे हैं और एक जो है वो खट्टा मीठा है। तो बस आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए और हमारे साथ अलग अलग जगह पे जाइए। और मेरे साथ रोहित जी भी हैं, आप ये मत समझना मैडम कल ही घूमती रहती, पता नहीं कितने ना घूमती रहती। ये देखिए मैं अपने मियाँ जी के साथ ही घूमती हूँ। और मेरे को क्या कर दिया है, खुला क्या? हाँ, और हाँ गाइस मेरे को खिलाफत मिल गई है, यू नो खिलाफत। और खिलाफत का मतलब होता है कि मैं भी अपने मुरीद बना सकती हूँ। और रोहित जी हंस रहे हैं और इसलिए हंस रहे हैं कि मैं अपने आशिक मुरीद बना सकती हूँ, कहीं भी बना सकती हूँ। मेरे को हंस रहे हैं तो इसलिए मुझे खिलाफत मिल गई है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुरीद बना सकूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा खाना आ चुका है, ये है हमारा कढ़ाई पनीर, ये है हमारी दाल मखनी, ये है हमारा सैलेड, ये है हमारे पिकल्स। तो अभी हमारे लच्छे पराठे आने वाले हैं तो मैं खाना खा लेती हूँ और थोड़ी सी। तो फाइनली गाइस हमारी थाली लग चुकी है और अभी हम खाना खाने लगे हैं। और आप भी खाइए, क्योंकि जब भी मैं कुछ खाती हूँ मैं पहले अपने सब्सक्राइबर जो मेरी फैमिली है मैं उसको खिलाती हूँ। तो आप खाओ दाल, मैं खाती हूँ पनीर। हमने खाना खा लिया है और अभी हम बाहर काउंटर पे आए हैं कुछ मीठा खाने के लिए, क्योंकि रोहित जी ने तो मुझे सौंफ खिलवा दी है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और भी मीठा खाऊं। तो गाइस ऐसे है, यहाँ पे काफ़ी काउंटर्स लगे हैं, रसमलाई है, खीर है, अलग अलग डिफरेंट कॉर्नर है, अचार का कॉर्नर है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन खाते हैं और कौन कौन आके जा चुके हैं और अपने लक्की ढाबे का एंजॉय कर चुके हैं। तो चलिए पहले काउंटर दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और भी आप यहाँ पे आए तो यहाँ के ये फेमस अचार हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ है। और ये कैश काउंटर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और ये देखिए हंसराज हंस जी, और
आइसक्रीम खा ली है, बड़ा कुछ खा लिया है, तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, तो आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। और कसम से बड़ा मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ मैं। मैं यहाँ आई थी जब मैं 10th में थी, तो आई थिंक अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है आने का यहाँ पे, तो अब हम आते रहेंगे। तो चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं कैसा है। तो ये बिल्कुल हवेली के साथ है, बड़ा ही फेमस लक्की ढाबा। तो प्लीज़ कभी भी आप यहाँ आइए 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 और टेस्ट कीजिए यहाँ के खाने का। तो उस दिन चंडीगढ़ में हमने हवेली के खाने का टेस्ट कर लिया था, तो अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था यहाँ जाने का, तो अभी हमने लक्की ढाबे में खाना खाया है और कसम से बड़ा मज़ा आया है। तो चलिए चलते हैं आगे, तो अभी वापस घर भी जाना है। और ये है हाईवे, आपको पता है मैं कितना कम खाती हूँ, मेरे को फिगर का बड़ा ध्यान है और ये चोरी चोरी मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस ये जो फ्लैट्स हैं हमने यहाँ पे बुकिंग करवा ली है, बड़ी जल्दी हम यहाँ पे फ्लैट लेने वाले हैं। एक्चुअली हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना एक फ्लैट बुक करवा देते हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो सानू बर्दाश्त करते नहीं है, क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं तो इसलिए रिश्तेदार हमें बर्दाश्त करते नहीं है। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ फ्लैट बुक करवा लेते हैं। फिलहाल हमने चंडीगढ़ में, देहरादून में, तो अभी जलंधर में भी बुक करवा ली है। तो चलना मत, क्योंकि पता ना थोड़े फुल कितने जाने, पता हरिद्वार जाना थोड़े फुल जो सड़े मैनू गाला कटिया दे। चुप चाप चलो मेरे ना, वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, समय लगी ना। और ये देखिए बस।